सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है केदारनाथ का। तो मैं लखनऊ से केदारनाथ जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेरे साथ में मेरा दोस्त आनंद जा रहा है और ये निखिल जा रहे हैं। ये देखिए अपना बैग लगता है। और गाइस चलते हैं आगे का, आपको पूरा टूर दिखाते हैं और चलते हैं केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करके आते हैं। और हम लोग की ट्रेन जैसे कि आ चुकी है, पीछे देख सकते हैं बिल्कुल। और जैसे ही ट्रेन आई, वैसे मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया हुआ है। तो चलते हैं गाइस आगे का दिखाते हैं आपको पूरा। तो फाइनली गाइस हम लोग को सीट मिल चुकी है और आते ही आते सबसे पहले ये मोबाइल चलाना शुरू कर दिए हैं और ये मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगा दिए हैं आनंद। और गाइस हम लोग चलते हैं, अभी दिखाते हैं पूरा ट्रेन का सफ़र कैसा रहा। तो फाइनली गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम लोग मुरादाबाद के बाद आगे पहुँच चुके हैं। पूरा दिन सोया है और मैं अभी सो कर उठ रहा हूँ। तो आप लोग चलते हैं, दिखाते हैं। अभी तो बहुत दूर का सफर है, वीडियो डालनी है, कितना मुझे फॉलो कर लीजिए। और इनको जरा इनका जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आनंद राजपूत 373 के नाम से फॉलो कर, आनंद राजपूत 373 के नाम से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इनका पेज थोड़ा बढ़िया है और वीडियो अच्छी अच्छी थोड़ा डाल रहे हैं। और चल के दिखाते हैं आपको, और भी आगे का सफ़र पूरा जारी रहेगा, चल के दिखाते हैं आपको। फाइनली गाइस हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार से हर की पौड़ी जा रहे हैं। और हर की पौड़ी से जाके फिर वहाँ पे स्नान करेंगे, दर्शन तो वापस आते करेंगे। अब जा रहे हैं सीधा रूम लेंगे, रूम से आके आराम करेंगे, फिर कल सुबह की हम लोग की बस है और बस से हम लोग जाएँगे केदारनाथ। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा। वीडियो को अभी आज तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बिल आइकन ऑन कर दीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फाइनली गाइस हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, हर की पौड़ी पे। अब हम लोग जा रहे हैं रूम लेने। अब रूम लेते हैं तो चल के आपको वहाँ का वीडियो भी दिखाते हैं और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर स्नान करते हैं, फिर आराम करते हैं। सुबह की बस है 5:30 बजे की, तब आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ट्रेवल किया जाता है, कैसे क्या मतलब दिखाया जाता है। तो गाइस देख सकते हैं कैसे देख रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये पहाड़ों से पानी आ रहा है, यहाँ से पूरा पानी आता है और यहाँ से देखिए साफ साफ बिल्कुल कितना क्लियर पानी, बिल्कुल साफ पानी आ रहा है ये देखिए। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ों से पानी निकल रहा है और ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है और ऊपर देखिए पूरा सूखा हुआ है। तो ये पहाड़ों से पानी आता है और ये देखिए यहाँ से निकलता पड़ता है। तो गाइस देख सकते हैं लोग पहुँच गए हैं देवप्रयाग और यहाँ से अभी केदारनाथ कम से कम 143 से 140 किलोमीटर बचा हुआ है। और जो प्राचीन अभी नदी भी दिखाई नहीं दे रही है, गंगा जी जो बनी हुई है वो बाद में दिखाऊंगा, अभी आगे दिख रहा है। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग अब बिल्कुल मंजिल के पास ही पहुंचने वाले हैं और बहुत ही पतली रास्ता है और अभी देखते हैं, अभी आगे मैप पर मुझे जाम भी दिखा रहा है तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाम मिलेगा। अभी है वार्निंग दी गई हुई है, नो ओवरटेकिंग जोन, मतलब सिंगल रोड है जो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। चलिए आपको दिखाते हैं आगे का भी सीन। तो गाइस देख सकते हैं कितनी पतली रोड है और ऊपर हमको जहाँ तक लग रहा है बाबा के दरबार में पानी गिर रहा है। और आगे सामने झील देख सकते हैं और अभी सिंगल रोड है, धीरे धीरे गाड़ी रुक रुक के चलेगी अब यहाँ से। और अभी ऊपर पहुँचते हुए दिखाते हैं ऊपर का भी सीन, ठीक है गाइस। देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब हो रहा है और ऊपर भी देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं और रास्ता नहीं और पतला है और ऊपर देखिए घर कितने छोटे छोटे बने हुए हैं और मौसम भी ख़राब है। ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ, वो देखिए गाड़ी जा रही है
अभी हम लोग को और ऊपर चलना हो चाहिए ऊपर, तो अभी ऊपर चल के उन्हें दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग काफी पहुँच चुके हैं और सोनप्रयाग आने वाला है और रास्ते में मौसम बहुत खराब है और बारिश हो रही है तेज, मतलब अभी धीरे धीरे भी आगे तेज होगी और अभी बाहर का मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, देखिएगा ये जानते हैं सोनप्रयाग पहुँचते हैं तब आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी 6 किलोमीटर बचा है और बहुत ही ज़्यादा जाम लगी हुई है, देख सकते हैं पूरा ये वहां तक जाम लगी हुई है पूरा, वो देखिए आखिरी तक जाम लगी हुई है। तो गाइस चलते हैं रूम लेते हैं, फिर तो उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे का भी पूरा, और रूम में पहुँच के फिर आपको बताते हैं कैसे क्या सुविधा यहाँ पर क्या है। वैसे यहाँ पर महंगाई तो बहुत है, खाना पीना सब महंगा और मौसम देख ही रहे हैं ठंडा मौसम है बिल्कुल, अभी ठंडी लग रही लेकिन अभी जैकेट लेना पड़ेगा, गाड़ी में बैग में रखी हुई जैकेट निकाल के पहनूंगा क्योंकि ठंडी। चलते हैं गाइस फिर रूम पहुंच के आपको दिखाते हैं वहाँ का सीन। ये देखिए यहाँ से जाम पूरा वहाँ तक लगा हुआ है और फिर उसके बाद आगे लगा हुआ है और ये देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है और मौसम देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक है और ठंडा मौसम है बिल्कुल, और मैं निकाल के अभी जैकेट पहनूंगा। और गाइस ये देखिए मैं मैगी यहाँ पर बनवा रहा हूँ, मैगी बनवा के तब खाऊँगा उसके बाद फिर आगे फिर निकलूँगा। हम लोग सीतापुर पहुंच चुके हैं पर ये यूपी वाला नहीं है, उत्तराखंड वाला सीतापुर है और सीतापुर से अब सोनप्रयाग जा रहे हैं, वो भी हम लोग पैदल जा रहे हैं, बस में बहुत जाम लगा था तो पीछे ही खड़ी है तो हम लोग पैदल आ रहे हैं और चलते हैं सोनप्रयाग में रूम लेते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए सुबह जाने देंगे 4 बजे। तो चलते हैं आपको वहाँ पर दिखाते हैं। तो भाई देखते हैं नज़ारा कर रहे हैं, वैसे पीछे पूरा लगा हुआ है और हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं और ये हम लोग का गवर्नमेंट तरफ से या डोमिनेटरी जो भी होता है वहां से मिला है 250 रुपये का रूम, और ऐसे नॉर्मल रूम तो 4000 रुपये के, तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 12 बजे से लाइन लगनी पड़ती है और 8 बज ही रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम लोग पहुँच गए हैं। तो आपको ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस पूरी वीडियो में केदारनाथ यात्रा नहीं दिखा सकता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको केदारनाथ की यात्रा पूरी दिखाई देगी। तो गाइस गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। वीडियो अगर आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए।